लोगों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो। आला तालीम तालीम जुर्म नहीं। जेके एसएसबी होश में आओ, जेके एसएसबी होश में आओ, रिव्यू करो, रिव्यू करो, इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ नहीं, बड़ों का सोचो, बच्चों का नहीं, बड़ों का सोचो। बेरोजगारों पे तानाशाही बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों पे तानाशाही आला तालीम जुर्म नहीं, जुर्म नहीं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट वापस करो, वापस करो, मंजूर नहीं। यही बात जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। मेरा नाम आरपी सिंह है, मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। रिसेंटली जो जेके एसएसबी ने 8575 पोस्टर्स क्लास फोर्थ के एडवर्टाइज़ किए थे, तो उसमें अकॉर्डिंग टू एसआरओ 99 ऑफ 2008 जैसे आज तक होता आ रहा है रिक्रूटमेंट, वैसे ही उसमें रूल्स सेम लिखे गए थे, तो हमने भी अप्लाई कर दिया। फिर कहीं से अफवाहें उड़ रही थी कि 12th जिनका अबोव है वो एलिजिबल नहीं है, वो कंफर्म करने के लिए हमने जीएडी को ग्रीवेंस डाला, जिसमें हमें रिप्लाई मिला कि अबाउट 12th कैन आल्सो अप्लाई, तो उस बेस पे हमने अप्लाई कर दिया। अब जब आज हमने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, तो आज ये लोग हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एफिडेविट मांग रहे हैं, जिसमें ये लिखा जा रहा है, लिखने को बोल रहे हैं ये कि उसमें आप लिख के दो कि आपकी क्वालिफिकेशन 12th से अबो नहीं है। ये हम कैसे दे सकते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन, हम झूठ इनके क्यों बोलें? अगर हमने झूठ बोलना होता तो हम पहले ही एफिडेविट साइन कर देते ऐसे ही। लेकिन हमने जो पढ़ाई की है, क्या हमने इसीलिए की है कि कल हम अपनी डिग्रीज़ को ज़ाया होने दें? ये कहीं के इंसाफ नहीं आ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स को वायलेट कर रहा है, तो ये नामंजूर है हमें। इसलिए एलजी साहब से ये गुजारिश है कि हमारे साथ जस्टिस किया जाए। ये लोग ये चाहते हैं जेके एसएसबी के कि 12th पास जो है बच्चे हैं वो अभी जो प्लेग्राउंड्स में होने चाहिए उनको ये जॉब पे लगाना चाहते हैं, और जो हम ग्रेजुएट्स हैं, पीजीज हैं, स्कॉलर्स हैं, जेआरएफ हैं, हमें ये लोग बेरोज़गार रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली स्टारवेशन में जाएँ, क्योंकि हमारा यही कसूर है इनके अकॉर्डिंग टू देम कि हम एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड।